Jonathan Stein. A magnificent strike into the crowd. India, this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. A shot of an emperor. ऐसे ही नहीं कहा जाता विराट कोहली को चेज मास्टर। क्या सेंचुरी के साथ स्वागत किया है बांग्लादेशियों का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन पे विराट कोहली आउट हो गए थे, पर जो बची खुची कसर थी वो उन्होंने यहाँ पे पूरी कर ली। एक और मैच टीम इंडिया ने जीत लिया है। आपने देखा कि बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया, बट इतनी अच्छी स्टार्टिंग के बाद भी वो सिर्फ 256 रन ही बना सके। हालांकि पावर प्ले में उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत कर ली थी, पर उनकी लगातार विकेटें गिरती गई और फिर वो 256 रन पे ही सिमट गए। फिर चेज करने आई टीम इंडिया की शुरुआत काफी अच्छी रही। गिल, कोहली, रोहित शर्मा, मतलब सभी ने बहुत अच्छा ही किया और फिर टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में हालांकि टॉप पर है और टॉप पे कब्जा जमा लिया है। आपने देखा कि पावर प्ले में जैसे हार्दिक पांड्या को पैर में मोच आ गई थी, उसके बाद वो बाहर चले गए थे। उनके ना होने पर भी टीम इंडिया को ये पांचवें बॉलर की कमी महसूस नहीं हुई। आज आपको टीम इंडिया की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग कैसी लगी और बांग्लादेश ने इतनी अच्छी शुरुआत के बाद कहां कुछ गलती कर दी, क्या लगता है आपको? ये सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा पूरे देशवासियों को। इंडिया ने लगातार चौथा मैच जीत लिया और इस कंपटीशन में, इस वर्ल्ड कप में सिर्फ दो ही टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने एक भी मैच नहीं हारे, अनबीटेबल रहे, इंडिया और न्यूजीलैंड। सो इंडिया ने तो सबसे दो इंपॉर्टेंट टीम्स जो हैं इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट्स मानी जा रही थी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, उनको भी हराया। बांग्लादेश ने हालिया दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको भी हराया। तो बहुत अच्छा मैच और टूर्नामेंट रहा है अभी तक इंडिया के लिए। इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है इस टूर्नामेंट में, न्यूजीलैंड भी स्ट्रांग लग रही है और इन दो अनबीटेबल टीम्स का मैच होगा इस संडे को और तब देखने को पता चलेगा कि कौन सी टीम जो है आगे तक अनबीटेबल रहती है। तो ये टूर्नामेंट बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। बट अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे वर्ल्ड कप में, कोई भी मैच ऐसा नहीं रहा कि जो कांटे का गया हो। 40 ओवर्स में मैच ख़त्म होते जा रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट इतनी खास नज़र नहीं आई। बस ये है कि दो उलट फेर हुए, एक तो जो साउथ अफ्रीका का नीदरलैंड्स के अगेंस्ट हुआ था और एक इंग्लैंड का अफगानिस्तान के अलावा। इसके अलावा टूर्नामेंट काफ़ी मतलब सिर्फ चल रहा है इस तरीके से लग रहा है। लेकिन अभी आपने जो ये एक्साइटमेंट देखा लास्ट में, विराट कोहली ने जो सेंचुरी चाहिए थी, 20 रन चाहिए थे जीत के लिए और विराट कोहली को 20 रन ही चाहिए थे बनाने के लिए, सेंचुरी करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जब केएल राहुल वहाँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे तो एक रन मिल ईजिली हो सकता था, लेकिन केएल राहुल ने कहा विराट कोहली को कि आप जो है अपनी सेंचुरी बना लो, बहुत ज़्यादा रन्स हैं। फिर विराट कोहली ने बहुत तेज़ बैटिंग की, एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया और फिर उसके बाद मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया। फिर वो हसन ने एक वाइड गेंद फेंक दी, वहाँ पर भी काम खराब हुआ, ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा। 7 रन चाहिए थे, 8 और विराट को 8 चाहिए थे। फिर लास्ट में एक गेंद आपने देखा होगा वाइड फेंकी, लेकिन मिराज ने हसन मिराज ने जो है वाइड गेंद फेंकी, लेकिन अंपायर कैटल ब्रो ने जो है उसको वाइड नहीं दिया। तो ऐसा लग रहा था कि अंपायर भी देखना चाहते हैं विराट कोहली की 100। और बहुत एक्साइटिंग आई थिंक, मुझे लगता है कि लास्ट में जो है ना चीज़ बहुत मजबूत हुई, बहुत ज़बरदस्त हुई, बहुत एक्साइटिंग हो गया मैच। इंडिया ने तो लगातार 4 जीत लिए, 41वें ओवर में जीता है। इस समय इंडिया की रैंकिंग जो है उस पॉइंट्स टेबल में 2nd नंबर पर है। तो हम बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं और मैं तो ये कहूँगा जो विराट कोहली ने चेज किया ना, इसीलिए उनको चेज मास्टर नहीं बोलते। वो अभी नासिर हुसैन ने कमेंट्री के दौरान कहा कि विराट इज़ अ किंग ऑफ चेजिंग, सो ही इज़ डेफिनेटली अ किंग। इस तरीके से उन्होंने चेज किया है और ये विराट कोहली का 48वां 100 भी था। बोलना नहीं चाहिए कि रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर का है, जिन्होंने 450 मैच खेले और उनके 49 सेंचुरीज की। विराट कोहली के तो भी 300 मैचेस भी नहीं हुए, 48 हो गए। तो बहुत जल्दी एक नेक्स्ट मैच, एक या दो मैच उनको मुझे लगता है कि क्योंकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में और वो जल्द ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 4900 हो गई है। और रही बात मैच की, तो मैच बहुत अच्छा हुआ, रोहित ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया बैटिंग में, इवन इनफैक्ट बॉलिंग में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने 4 ओवर में सिर्फ 5 या 6 ही रन दिए थे, तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई, बट अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो स्कैन हुआ है हार्दिक पांड्या का, तो ये पता लग रहा है कि जो उनकी इंजरी जो है ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हार्दिक को इस मैच में फिर पूरा रेस्ट मिला, उस मतलब जो इंजरी हुई इसके बाद पूरा रेस्ट मिला है, उनकी बैटिंग नहीं आई। तो होपफुली हमारे लिए अच्छा है कि अभी कोई इतनी खास इंजरी किसी
को भी नहीं हुई है। और ठीक है, हालात ठीक है, जो भी सिचुएशन थी उससे हम निकल कर आ भी रहे हैं। जैसे शुभमन गिल को डेंगू हो गया था, तो उसकी वजह से वो पहले 2 मैचेस नहीं खेल पाए। आज उन्होंने भी कमबैक किया, जैसे लास्ट मैच में ही खेला उन्होंने, अच्छे स्ट्रोक्स भी लगाए, जल्दी आउट हो गए। आज उन्होंने 50 लगाई, तो उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के इंडिया के लिए अच्छा है अभी तक टूर्नामेंट रहा है, डोमिनेटिंग लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि उनको कोई चैलेंज कर पा रहा है। और अच्छी टीम्स को उन्होंने हराया है, क्योंकि बांग्लादेश इंडियन कंडीशंस और बांग्लादेशी कंडीशंस से काफी वाकिफ है। हालांकि बांग्लादेश ने ज्यादा मैचेस तो इंडिया में नहीं खेले, लेकिन फिर भी कंडीशन, वेदर वगैरह सब तो एक जैसे ही है, एशियन कंडीशंस है। विराट कोहली की ये छोटी सी पारी बॉलिंग की जो लास्ट टाइम 2017 में वो किए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हार्दिक पांड्या को पैर में मोच आ गया था तो वो बाहर चले गए थे, तो विराट कोहली बॉलिंग करने के लिए आए थे, वो 3 अहम बॉल जो थी, मतलब दर्शकों को काफी मजा आ गया। और उनकी ये विराट सेंचुरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सचिन का रिकॉर्ड जो है 49 सेंचुरी का ओडीआई में, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, 3 ही गेंद तो विराट कोहली ने खेली है, तो उस पर क्या कह सकते हैं। हालांकि विराट कोहली पहले भी बॉलिंग कर चुके हैं, फिर काफी लंबे वक्त से वो बॉलिंग नहीं करते। मुझे याद आता है कि 2016 में भी उन्होंने एक बार बॉलिंग की थी, T20I मैच था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेमीफाइनल्स में, तो उन्होंने एक विकेट भी ली थी। इनफैक्ट वो मैच अगर देखें सेमीफाइनल का जो 2016 में हुआ था, तो इंडिया बिल्कुल, सिर्फ मुझे लगता है कि विराट कोहली का ही सिर्फ बेस्ट परफॉर्मेंस था। 89 उन्होंने रन बनाए थे, एक विकेट भी ली थी, तो मतलब वो हर चीज़ उस मैच में कर रहे थे। तो लेकिन फिर भी वो मैच इंडिया हार गई। आज तो उन्होंने बॉलिंग की 3 गेंद खेली, और एक मान लीजिए कि हार्दिक ने 3 गेंद में 8 रन दिए थे, उन्होंने 2 रन दिए, तो हाँ थोड़ा फैंस के लिए एक्साइटिंग हो जाता है। काफ़ी वीडियोज जो सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रही थी। रही बात देखिए सचिन का रिकॉर्ड, मैं अगेन दोबारा कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अब ज्यादा दूर नहीं रह गया विराट कोहली से, एटलीस्ट इन ओडीआईज में। 48 पे वो आज आए गए हैं, उनको सिर्फ 2 सेंचुरीज चाहिए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, 1 सेंचुरी चाहिए रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए। तो वो उनके पास मौका है, लेकिन अभी देखिए अभी 4 मैच जो उन्होंने खेले, तो इस मैच में भी ऐसा लग रहा था कि उनकी सेंचुरी नहीं होगी, क्योंकि दूसरी टीम्स ने इतने रन स्कोर किए ही नहीं, इतने बड़े स्कोर रन किए नहीं। पाकिस्तान का भी मैच आप देखिए बहुत छोटा मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने जिसे 200 रन बनाए, अफगानिस्तान के खिलाफ भी बैटिंग उस हिसाब से आई नहीं जो, मतलब उन्होंने 50 तक उस मैच में भी बनाया। तो लेकिन आप देखो कि इतनी रेगुलर बैटिंग नहीं आ रही विराट कोहली की इस टूर्नामेंट में, और मुझे लगता है कि आएगी भी नहीं उतनी, और आने भी नहीं चाहिए। मैं तो ये प्रे करूंगा कि इंडिया जो है इजिली सारे मैचेस जीते, थोड़ी बहुत बैटिंग आए तो अच्छा है। और वो विराट कोहली से तो हम हमेशा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, पिछले 2-3 साल में उन्होंने देखे, 3 साल उनके कुछ रन भी नहीं आए, आउट ऑफ फॉर्म थे कोविड की वजह से, मैं कहूँगा आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं थे, इतने रेगुलर मैचेस वो खेल भी नहीं रहे थे, वो इतना स्ट्रेस पॉइंट था कोविड एरा में, तो हो सकता है कि कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाए। लेकिन फिर अब वो दोबारा इस साल उन्होंने कमबैक किया, और देखिए लगातार अब इस साल तो उनका ये छठा शतक है, तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोबारा, लगता है विराट कोहली पुराने वाले आ चुके हैं फॉर्म में। तो अभी अभी लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए विराट कोहली इस तरीके की परफॉर्मेंस जो सेमीफाइनल और फाइनल्स में दे, क्योंकि अब तक तो लग रहा है कि इंडिया सेमीफाइनल पहुंच ही जाएगी, तो सेमीफाइनल और फाइनल्स में अगर वो शतक बना देते ना, तो फिर इससे बेहतरीन जो विराट कोहली का एक करियर है जिसमें उन्होंने ICC टूर्नामेंट्स में स्पेशली फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में 100 नहीं लगाई, अगर वो बना देते हैं इसमें, तो फिर मुझे लगता है कि विराट कोहली को जो ODI करियर है ना, वो वैसी महान है, लेकिन वो महानतम एक तरीके से अमर हो जाएगा। टीम इंडिया ने पिछले 4 मुकाबला खेला है और चारों मुकाबला ही टीम इंडिया ने जीता है, हालांकि टीम इंडिया चारों मुकाबला चेज करते हुए जीता है, और अभी तक हमारी जो 5वें और 6वें विकल्प है बल्लेबाजी का, वो अभी टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग अभी तक बहुत ही स्ट्रांग रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो अभी 5वें और 6वें बल्लेबाज का अभी हमें जरूरत पड़ा ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी बॉलिंग ही मजबूत है या बैटिंग भी बहुत ज्यादा मजबूत है? अगर ये दोनों मजबूत है तो क्या ये हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए अभी तो लोअर ऑर्डर की सही में इस टूर्नामेंट में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोअर ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले मैचेस में। देखिए 2015 और 2019 दो वर्ल्ड कप हुए, तो उन टूर्नामेंट में भी ऐसे लोअर ऑर्डर की इंडिया को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंडिया का जो टॉप है भी वो बहुत रन बना रहा था। लेकिन जरूरत कहाँ पड़ी सेमीफाइनल्स में, इंडिया हार गई सेमीफाइनल्स में, फिर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गई थी, फिर पिछले साल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हमने देखा 2019 में कि वहां पर भी जो है वो स्ट्रगल किया पीछे बैक एंड में,
तो हालांकि फिर बाद में जडेजा ने संभाला, लेकिन मैं यही कहूंगा, देखिए जो हमारा मिडिल ऑर्डर है ना उसको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, पांचवें छठे या सातवें आठवें जितने भी हमारे बैटर्स हैं, या शार्दुल की वजह से बैटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं कि शार्दुल की बैटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये उनको कहना चाहिए कि आप प्रिपेयर रहिए अपने वर्स्ट के लिए, हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि कोलैप्स हो जाए, और जैसे पहले मैच में हुआ भी है, लेकिन वहां विराट और केएल ने संभाल लिया तो उतनी खास जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि सेमीफाइनल और फाइनल्स बहुत प्रेशर गेम्स होते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं, फंबल होता है, चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं, तो जो भी 5 6 7 8 हैं इंडिया के उनको वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अभी हाल ही में आकाश चोपड़ा ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि हमें वर्ल्ड कप के दो फाइनलिस्ट मिल गए हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड, यही दो खेलते हुए हमें दिखेंगे। उनका ये प्रेडिक्शन इतना जल्दी करना, मतलब क्या ये सही है क्या? अभी आगे बहुत सारे मैचेस है, बहुत सारी टीमें आई हैं खेलने के लिए, कोई हारने के लिए तो आया नहीं है, तो इतनी जल्दी क्या प्रेडिक्शन करना सही है या गलत है? आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए आकाश चोपड़ा जो है बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, लेकिन एक चीज ये भी देखिए कि आकाश चोपड़ा जो है उनको कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया है, अगर आप इनएक्टिव रहोगे, कुछ कहोगे नहीं, एक्साइटिंग कुछ नहीं कहोगे, तो फिर आपकी दुकान नहीं चल रही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ ना कुछ बोले, और इसी से उनका जो है काम चलता है। तो उन्होंने जो प्रोडिक्शन किया, हालांकि मैं उसके अगेंस्ट नहीं चाहूंगा, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत कंपटीशन दे रही है, उनके पास वैरायटी ऑफ स्पिन है, आप सेंटनर को देख लीजिए या रचिन रविंद्रा, या अभी तक तो उनके जो पी शोडी है उनकी जरूरत भी नहीं पड़ी है, इनफैक्ट आप देखिए कि केन विलियमसन ने मैचेस उतने नहीं खेले, एक मैच खेला था उसके बाद इंजर्ड हो गया, अभी उनका भरोसा नहीं कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी तक न्यूजीलैंड जो है बहुत जबरदस्त टीम नजर आ रही है, और जो उनका एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया इस टूर्नामेंट की सबसे इम्पोर्टेंट फेवरेट टीम है शुरुआत से ही, न्यूजीलैंड को भले ही कोई टीम आंक ना रही हो, लेकिन कोई एक्सपर्ट आंक ना रहा हो, लेकिन इंडिया तो हमेशा से ही इस टूर्नामेंट में की शुरुआत से ही हॉट फेवरेट थी, और उन्होंने करके भी दिखाया, इंडिया ने उस तरीके से खेला भी है, तो संडे का मुकाबला है ना बहुत जबरदस्त होने वाला है, और प्रेडिक्शंस मैं यही कहूंगा जैसे आपने कहा कि बहुत जल्दी ये प्रेडिक्शंस है, अभी आप देखिए कि मैं पाकिस्तान को भी नहीं कहूंगा कि हमें उन्हें कम आंकना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बुरे तरीके से हारे थे वो पाकिस्तान इंडिया से, लेकिन फिर उन्होंने कम बैक किया और फाइनल खेला, और वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अभी देखिए वो चोटिल हैं इस समय, ऑस्ट्रेलिया भी वो भी कम बैक करेंगे, और सेम न्यूज इंग्लैंड भी, तो कोई भी टीम को अभी तक तो आंकना बड़ा गलत है, और इनफैक्ट साउथ अफ्रीका का भी देखते हैं उनका मोराल कैसा रहने वाला है आने वाले मैचेस में, तो अभी टूर्नामेंट तो बड़ा वाइड ओपन है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम जाएगी कौन सी टीम नहीं जाएगी, तो अभी तक कहना मुश्किल है, इनफैक्ट इंडिया के लिए भी कहना बड़ा मुश्किल है, हालांकि इंडिया ने दो इम्पोर्टेंट और अच्छी टीम्स को हराया है, अभी बांग्लादेश को भी हरा दिया, तो इसलिए थोड़े से हम कह सकते हैं कि अच्छी टीम्स को हरा है, तो स्थिति ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, बात करते हैं कि कल के मैच के बारे में, तो कल का मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पाकिस्तान अपना पिछला मैच इंडिया के साथ हार के जा रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है अपना मैच जीत के आ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया तो अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कल का मैच ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलने जाएगी, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम में अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनके काफी सारे प्लेयर्स को बुखार है, तो ये दोनों टीम के लिए कल का मैच ये कितना अहम होगा? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि प्लेयर्स का मोरल कितना बूस्ट है, अगर बुखार वगैरह हुआ भी तो उसको प्लेयर्स झेल लेंगे, पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, उनका मोरल जो है वो गिरना नहीं चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट होगी तो वो उधर लड़ भी लेंगे। अब जो मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और मैं ये कह रहा था ये मैच सबसे पहले क्यों हो गया इस टूर्नामेंट में, किसी को नहीं पता था कि स्थिति क्या हुई, लेकिन अगर आप देखें दोनों, ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच हालांकि जीता श्रीलंका के खिलाफ और अपना खाता खोला, और वहीं पाकिस्तान जो है हारी है, तो दोनों ही सोच रहे होंगे कि अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, और जो मैच जीतेगा उसका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इस टूर्नामेंट में फिर आगे हो जाए, अगर पाकिस्तान मैच जीत गई तो फिर ये मान लीजिए कि वो बहुत खतरनाक टीम होने वाली है इस टूर्नामेंट में, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो फिर वो इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम्स में भी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो फॉर्म में आ जाएगी, वापसी करेगी, वहीं पाकिस्तान अगर जीतती है तो उनका भी मोराल बूस्ट होगा, और फिर वो चैलेंज देने के लिए सबके, मतलब चैलेंज सबको देंगे, इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात है कि इन दोनों टीम्स को उन्होंने हरा दिया है, टॉप अच्छी टीम्स हैं, तो इनका मुकाबला तो अगर अब होगा भी तो सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में होगा,
लेकिन दोनों ही टीम्स का मेरा मानना है कि ये इस पॉइंट पे मैच नहीं होना चाहिए था, आज की स्थिति में मैच नहीं होना चाहिए था। जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हो जाता या साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का हो जाता, इस तरीके से अगर कोई मैच होता तो ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन दो अच्छी स्ट्रांग टीम्स जो अभी घायल हैं, उनका एक ही साथ मैच होने वाला, और जो इनमें से जीता वो इस टूर्नामेंट में फिर वो कम बैक करेगा, बहुत अच्छा स्ट्रांग कम बैक देगा, मैसेज देगा कि नहीं अभी हम हैं इस टूर्नामेंट में और हमें आपका मांग नहीं सकते। हालांकि दूसरा इस पहलू ये कि जो टीम हारेगी ना उसका मोरल और भी डाउन होता जाएगा, फिर हम देखेंगे फिर वो इस टूर्नामेंट से फिर बाहर निकलती नजर आएगी। पाकिस्तान ने तो हालांकि अभी एक ही मैच हारा है, ऑस्ट्रेलिया दो हार चुकी है, अगर ऑस्ट्रेलिया हारती तो उनके चांसेस और डिम होते जाएंगे इस वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान हारी तो फिर उनके पास चांसेस रहेंगे कि दो ही मैच हारे हैं। लेकिन फिर भी ये कि मोरल एक बार अगर डाउन हो गया ना तो फिर आप ज्यादा फिर कर नहीं सकते, और वहां अगर मोरल अप हुआ तो आपके पास चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे इस टूर्नामेंट में। तो चलिए जी, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।